ध्यानस्थ अवस्था में डूबते चले जाना, जागे जागे देखते चले जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, केवल वाच करना, केवल देखना। मेडिटेशन वो इनर टेक्नोलॉजी है जो स्वयं वर्क करती है, उसके लिए कुछ करना नहीं, केवल अपने स्वभाव में रहना, अपनी याद, अपनी स्मृति में, अपनी सुरते में रहना। फिर से याद कर लेना अपने आप को, तुम कौन हो, बस इतना सा सवाल है, जवाब भीतर से मिलता है। तुम इसको रियलाइज कर लेना और जीवन के पल पल को पीसफुली जी लेना। माइंड से अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना तादात्म्य तोड़ते चले आना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट, यू आर एन ऑब्जर्वर, अ विटनेस ऑफ माइंड। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए नॉन डूअर, माइंड इज ए डूअर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड माइंड। Simply explore it, discover it, and be blissful. वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है, वही देखना जो माइंड के टेलीविजन पर आ रहा है। आप अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना। इतना सा करना कि तुम अवेलेबल रहना अपने वर्तमान के पलों में, तुम इन वाइब्रेशन में बने रहना, तुम अपनी सुरती में रहना, अपनी होश में रहना। तुम देखने वाले हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी हो। जो तुम हो वो हो जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। देखने मात्र से जो जवान नेसेसरी है वो सब विदा होता चला जाता है, सब अंधेरे पतले होते चले जाते हैं, सब सन्नाटे चारों ओर की शांत होते चले जाते हैं, सब विचारों की चहल पहल, विचारों की ट्रैफिक स्वतः ही कम होती चली जाती है जब तुम इनसे हटते चले आते हो। घर कहीं इंडल्ज हुए, कहीं खो गए, तो ये भीड़ विचारों की बढ़ती चली जाएगी, ये चहल पहल बढ़ती चली जाएगी, ये बहुत तूफान की तरह छा जाएगा। माइंड को मौका नहीं देना, इसको अवसर नहीं देना तुम्हारे ऊपर एग्रेसिव रूप में आए, आक्रामक स्थिति में उतरे, तुम्हें दबोचे, तुम्हें अपनी बाहों में ले, तुम्हें अपनी गोदी में सुला दे। अब ज्यादा अवसर इसको नहीं देना, अब तुम अपने आप को देना और अपने आप का आविष्कार कर लेना। तुम जागना, मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटते चले आना। मन के प्रति कोई किसी प्रकार की विक्रिया नहीं करना, कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना, तनिक मात्र भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसकी एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं करना, नहीं रखना, तनिक मात्र दखल नहीं देना, केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, दखल देना हमारा अधिकार नहीं है। मन अपने आप में स्वतंत्र है, यह अपने स्वभाव में है, इसका स्वभाव है बिखरना, भटकना, बहकना, पल पल दौड़ते रहना, चंचलता, चपलता, बिखराव, प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, इसका स्वभाव है। बेचैनी,
निरंतर बढ़ती चली जाती है माइंड की, जो जो तुम इसको देखने लगते हो। जैसे चोर को देखते ही चोर भाग खड़ा होता है, ऐसे माइंड को देखते ही माइंड भाग खड़ा होता है। आप इसको लगाने की कोशिश ना करना, आप इसकी भागदौड़ को, इसकी आपाधापी को, इसकी तमाम चालबाजियों को देखते रहना, लगातार इसकी एक्टिविटी को देखते रहना। मोस्टली माइंड इज नेगेटिव, इसके नेगेटिविटी को जागे जागे देखना। देखना बहुत साहस और हिम्मत की बात है, देखना बहुत दीवानगी है, देखना बहुत प्यास दर्द की एक मात हिम्मत है। ये हिम्मत, ये साहस जो पिरो लेता है अपने मन के प्रति, वो एक दिन मन के पार होकर के जीते हैं। वो बहुत शीघ्र मन के मास्टर हो जाते हैं, वो बहुत शीघ्र हर हालात के मालिक हो जाते हैं। तुम जाके जाके रहना, प्रैक्टिकली अपने को देखने में उतरना, मेडिटेशन में उतरना। कहीं खोना जाना देखते देखते तुम पुनः पुनः वापस लौटना, अगर खो जाते हो पुनः पुनः वापस लौटना। डायरेक्ट वॉच करना अपने मन की गति को, मन माया के विस्तार को, मन की तमाम एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना। प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। ओ साहिबा, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ मेरे प्रीतम, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। माँ कुंती कहती है, माँ कुंती कहते हैं, गोपाल तुम क्या बात है, कभी कभी आते हो मिलने के लिए, कभी समय था तुम 24 घंटे हमारे साथ रहते थे, अब तुम कभी कभी आते हो, इतनी कंजूसी क्या। भगवान कृष्ण कहता है, कुंती हाँ तू बुआ भी लगती है, तू मेरी भक्ता भी है, कुंती मैं कंजूस नहीं, कंजूस तुम हुए हो, मैं कृपण नहीं, कृपण तुम हुए हो। जब तुम 24 घंटे मुझे याद करती थी दुखों में, प्रतिकूल हालात में, संकटों में, दिन रात पड़ी थी तो मुझे 24 घंटे याद करती थी, मैं तेरे पास 24 घंटे रहता था, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता था। अब तुमको हस्तिनापुर का राज मिल गया, तुम्हें लग्जूरियस लाइफ मिल गया, तुम्हें लग्जरीज मिल गया, तुम्हें राज सिंहासन मिल गए, खजाने मिल गए, अब तुम सुखों में डूब गए, इसलिए तुम मुझे कभी कभी याद करते हो, तो मैं कभी कभी आ जाता हूं,
ये तो तुम्हारी याद पे, तुम्हारी पुकार पे निर्भर है। हृदय से उठी हुई पुकार अगर 24 घंटे की हो तो मैं तुम्हारे हृदय में 24 घंटे हूँ, और अगर तुम कभी कभी पुकारते हो तो मैं कभी कभी तुम्हारे साथ हूँ। ये तो तुम्हारी ओर से ही रीत निभाने का सबक है, मेरी ओर से कोई कमी नहीं। कुंती ने अश्रुधारा बहाकर की चरण धो दिए और यही कहा, दर्द से मेरा दामन भर दे, अपनी प्यास से मेरा दामन भर दे। फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। चांद सितारे कब मांगे थे, वारी महाकुंती माँ, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे जग की वैभव कब मांगे, मैंने तुझसे तुझसे चांद सितारे कब मांगे, दर्दे दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना, फिर चाहे दीवाना, फिर चाहे दीवाना कर दे। बाहर का सूरज तो हम सब देख चुके, बाहर की ऐश्वर्य बाहर का सूरज तो हम सब देख चुके, बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके,
बाहर उगता। बाहर का सूरज तो हर रोज देख चुके, भीतर की कोई किरण जगा दे तेरे चाहे दीवाना करे, फिर चाहे परवाना करे, फिर चाहे दीवाना करे दे दर्द से मेरा दामन भर दे। मात्र प्यास दे प्रीतम मेरे मालिक, अपनी प्यास बख्श दे, अपना प्रेम बख्श दे, अपना प्यार और मोहब्बत का नगमा गुजा दे, एकमात्र प्रेम की डोर बांध दे। प्रभो अगर मैं तुमसे प्रेम की डोर बांधूं तो छूट छूट जाती है, टूट टूट जाती है। गर तू मेरे साथ प्रेम का नगमा गा ले, गर तू प्रेम की डोर मेरे संग बांध ले, गर तू मेरा बाजू पकड़ ले, मैं तेरी उंगली पकड़ पकड़ के देख चुका, मैं तेरा बाजू पकड़ पकड़ के अनेकों बार चल चुका, बार बार छूट छूट जाता है, तेरी उंगली छूट छूट जाती है। पुनः मन में गिर जाता हूं, मन के सामने कमजोर पड़ जाता हूं, पुनः पुनः मन के हाथों लुट जाता हूं, मन माया दबोच लेती है, अनेकों ग्लैमर अनेकों अट्रैक्शन पकड़ लेता है। मैं तनिक मात्र भी तेरे से आंख थोड़ी सी भी हटाता हूं, यह माइंड रूपी राक्षस पकड़ लेता है, ये माइंड रूपी राक्षस दबोच लेता है, ये अहंकार अभिमान ईगो रूपी राक्षस पकड़ लेता है और तुझसे दूर कर देता है, तेरी उंगली छुड़वा देता है। अगर तू मेरा बाजू पकड़े प्रभो, मेरे मुर्शिद मेरे साहबा मेरे प्रीतम, तो ही कछु बात बन सकती है। ओ गोपाल कुंती कहती है, तू हमारा बाजू न छोड़ना, हम भले तुझे छोड़ छोड़ के चले, हम भले तुझे भुला भुला के चले, हम भले तुझे पीठ दे के चले, हम भले तुझे इग्नोर करके चले, हम भले तुझे भूल भूल के चले, हम भले तुझे भुला भुला करके रहे, किंतु तुम हमें ना भूलना, तुम हमें ना छोड़ना, तुम ना पीठ कर देना, नहीं तो कयामत आई ही आई। दुखों के पहाड़ उतरे ही उतरे, संकट माइंड के उतरे ही उतरे, तुम ना पीठ कर देना मालिक, तुम बाजू पकड़े रखना। इतना सा दर्द देना कि तेरी दीवानगी के आलम में डूबा रहूं, डूबी रहूं, इतना दर्द उठाना कि तेरी दीद के बिना जी ना सकूं, तेरे दीदार के बिना जी ना सकूं, तेरी प्यास के बिना
एक पल ना गुजरे, ऐसी दीवानगी का रंग चढ़ा दे। ओ मेरी प्रीतम, एक प्यास दे दे, और कुछ चाहे नहीं। शरीर का मान और तन का एकमात्र ही श्रृंगार, एकमात्र सुंदरता सौंदर्य, एकमात्र श्रृंगार तेरी प्रेम प्यास की धारा में है, तेरे प्रेम प्यास के रंग में है। अगर वही तूने ना दिया तो तूने जीती जागती डेड बॉडी दिया, तूने एक चलता फिरता मुर्दा बना दिया मुझको। कितना सुंदर नानक कहते हैं, छोटे से बालक कहते हैं, नानक कहते हैं, ओ मालिक, ओ मेरे प्रभो, ओ मेरे प्रीतम, मेरे साहबा, ओ मेरे करुणा निधि दया निधि भगवान, मुझसे तो वही वही कराना, मुझसे तो वही उपाय कराना जिस उपाय से मैं तेरी नजरों को भा जाऊं। तेरी नजरों को भा जाऊं, तेरी नजरों में समा जाऊं, तो मुझको स्वीकार कर लो, तेरी नजरों में मेरा चुनाव हो जाए, मेरा कैरियर बन जाए, अगर तो मुझको चुन लो, तेरी नजरों को भा जाऊं, वो मैं क्या उपाय करूं। जैसे ब्रजभूमि के लोग कहते हैं उद्धव, हम कौन सा उपाय करें कि हम अपने गोपाल की नजरों को भा जाए, हम अपने गोपाल की नजरों में समा जाए, वो कौन सा उपाय हम करें। उद्धव खुद नहीं जानता वो क्या बताएगा। नानक कितना सुंदर कहते, छोटे से बालक नानक कहता, ओ मालिक मैं तेरी नजरों को कैसे भा जाऊं, मैं क्या उपाय करूं कि तेरी नजरों को भा जाऊं। तेरी नजरों को भा जाने का मतलब 365 तीर्थों का स्नान हो गया, सब तीर्थों का स्नान हो गया, सारे जगत का, सारे संसार का अनुभव हो गया। अगर तेरी नजर को मैं भा गया तो मेरे मानव जन्म की कीमत पड़ गया, मेरे बचपन की कीमत पड़ गई, मेरी जवानी की कीमत पड़ गई, मेरी जिंदगी की कीमत पड़ जाएगी जिस दिन तुझको मैं भा गया। तेरी आंखों में तेरी नजरों को मैं अच्छा लगने लगा, मैं भा गया, तेरे भीतर तेरी नजरों में समा गया। तूने थोड़ा सा अपनी नजरों के कोने में मुझे क्या जगह दिया कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। एकमात्र इतनी सी प्यास दर दीवानगी का आलम बख्शता, पपीहे की न्याई मैं रात दिन तुझको पुकारता रहूं, पी पी की आवाज लगाता रहूं, इतनी सी प्यास बख्शता। मेडिटेशन है एकमात्र प्यास, अपने प्रीतम की, अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने सच्चित आनंद को अनुभव करने की प्यास, प्यास।
प्यास अपने भीतर बैठे प्रीतम को जगमगाने की, अपने ही हृदय द्वार पर विराजमान अपने मालिक को प्रकट कर लेने की प्यास, उससे मिलने की प्यास, मेडिटेशन है, प्रेम का पावन स्वरूप है ये अंतस ध्यान, मन का स्नान है। त्रिवेणी बह उठती है इसमें और माइंड की क्लेंसिंग होती चली जाती है। दिल की सफाई होती चली जाती है। निरंतर प्यास दर दीवानगी का आलम जगमगाने लगता है और एक दिन ये प्यास परमात्मा बन जाती है, यही विराट रूप लेती है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अनलाइटेंड होके जीना, जागा जागा जीना, जीवन ज्योत जगा के जीना, आत्म ज्योत जगमगा लेना, स्वयं में अनलाइटेंड होकर के जी लेना, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम सुखों की खान हो जाओगे, तुम प्रेम का लहलहाता मैकदा मैखाना हो जाओगी, तुम वहदत के जाम छलकाओगी, तुम मस्ती के बादशाह हो जाओगे, तुम नूर और नूर खुमारियों के दौर में उतर करके जियोगे, तुम आलमगीर होकर के जियोगे, तुम अपने जन्मों जीवन की ज्योत जगा करके अपने प्रभु के अस्तित्व को भी धन्य धन्य कर दोगे, उसके अस्तित्व को भी आबाद कर दो, वो भी दोनों हाथ फैलाए तेरी इंतजार करता हुआ, पल पल तेरी याद में डूबा हुआ, तुझसे मिलने की एकमात्र उत्सुकता लेकर के उतरता चला आएगा, वो स्वयं तेरे दर्शन को तरसेगा। तू क्या तड़पता है, तेरी तड़पन तो उसकी तड़पन के बाद ही होती है, वो स्वयं तड़पता है, वो अंशी अपने अंश के लिए तड़पता है, वो सागर अपनी बूंद के लिए तड़पता है, वो सूर्य अपनी किरण के लिए तड़पता है, वो तड़पता है तभी तेरे भीतर तड़पन उतरती है, वह प्यास तेरे लिए जगाता है तभी ये प्यास तेरे भीतर उतरती है, वह प्रेम स्वयं स्वयं प्रवाहित करता है, वह प्रेम की पाती भेजता है तुझको, जवाब देना प्रेम में डूब करके, उससे प्रेम की लौ लगाना, प्रेम प्यार मोहब्बत की डोर बांध लेना, अपने विराट अपने मुर्शिद अपने मालिक अपने प्रभु से धन्य धन्य हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे जब जागोगे, जागोगे तो जानोगे दूसरों को भी रुस्वा करोगी, सदा सदा के लिए बहारों में उतर आओगे, एकमात्र प्रभु प्यास प्रभु प्रेम में डूब जाना, उसके दामन में लुक करके जीना, कीमत पड़ जाएगी तेरी। दर्द से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे, अपनी प्यास से मेरा दामन भिगो दे।